बस जो ये कंपटीशन लोगों ने नाम दे दिया कंपटीशन का, ये कंपटीशन नहीं है। ये प्यार चेंजिंग करी है, टायर कर रहे हैं उसके, डबल टायर करी है गाड़ी। अच्छा ये वाले जो रहेंगे वो 12 बेस रहेंगे, बीच में 12 बेस रहोगे, बाहर रहेंगे 10 बेस, 22 बेस हो रही है। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। राम राम जी भाई, सभी भाइयों को, मैं आपका भाई सुमित। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई डीजे के इंटरव्यू वगैरह करता रहता है, तो आज हम आए भाइयों जैतपुर में, और ये जैतपुर आपका पता है बदरपुर बॉर्डर की साइड में, और बदरपुर बॉर्डर की साइड में भाइयों बहुत ही ज़्यादा फेमस डीजे है, पूरे बदरपुर में रोला है। बदरपुर क्या, दिल्ली में भी ले लो, दिल्ली में भी पूरा ठाकुर डीजे जैतपुर का ही रोला है, एकदम बिल्कुल क्रेज ही है, दबदबा बिल्कुल। हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आपने देखा अभी तक काफ़ी बड़ा सेटअप बांध के आए थे, और इस बार की हरिद्वार की जो कावड़ यात्रा आने वाली है उसमें भी जाने वाला है ठाकुर डीजे फ्रॉम जैतपुर, तो अलग ही मज़ा जो है वो आने वाला है। और भाइयों आज हम उन्हीं का ही इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, हमारे डीजे के ओनर हैं हमारे लाला भाई और गोलू भाई, तो उनसे अभी हम बातचीत वगैरह करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि मतलब वो इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में क्या क्या सेटअप लेके जाने वाले हैं, टाटा जाएगी या फिर ट्रोला जाएगा, क्योंकि भाई के पास में अल्ट्रा लेवल का ही सामान वगैरह है, सब कुछ एकदम आर पार का सिस्टम कर रखा है ठाकुर डीजे जैतपुर। तो अभी चलते हैं फटाफट ओनर से आपकी बातचीत वगैरह करवाते हैं जल्दी से। और बाकी भाइयों यहीं पर ही है ऑफिस ठाकुर डीजे फ्रॉम जैतपुर, देख सकते हो, और इधर की साइड में खड़ी भी है टाटा, और यहीं पे खड़ी होती है, भाई के पास में टाटा भी है, दो तीन टाटा हैं शायद अभी पूछेंगे, और बाकी वाली टाटा के अंदर जो है वो चेंजेस वगैरह भी हुए हैं, शायद जनरेटर वगैरह भी चेंज हुआ है वो भी अभी पूछेंगे, और टायर जो है वो डबल टायर है भैया ने अभी करवाई है बहुत जल्दी अभी के टाइम में हरिद्वार की कावड़ यात्रा के लिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा बेस वगैरह लग के जाएगी। और एक टाटा यहाँ पर है, और बाकी सारे डीजे के जो ओनर है हमारे भैया बैठे हुए हैं, सारे भाई बैठे हुए हैं, सभी से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। क्या हाल है भैया? सोबित। अच्छा बाकी ठाकुर डीजे जैतपुर पे आप ही रहते हो? अच्छा, और बाकी भैया आपके क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, परवीन नाम है भाई। परवीन, अच्छा आप भी मतलब ठाकुर डीजे जैतपुर पे रहते हो? तो आप ऑपरेटिंग करते हो डीजे पे? गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। अच्छा गाड़ी वगैरह चलाते हो, सब कुछ देख रेख आप भी करते हो एक तरीके से? बिल्कुल। और बाकी हमारे डीजे के ओनर हैं हमारे यहाँ पे गोलू भैया, क्या हाल है गोलू भैया? जय श्री राम गोलू भैया की तरफ से। बाकी गोलू भैया हरिद्वार की कावड़ यात्रा में डीजे जाने वाला है, इसी चक्कर में इंटरव्यू के लिए आए हैं हम। और बाकी ठाकुर डीजे जैतपुर देख सकते हो, ये जो है ये नई वाली टाटा है, ये वाली ये तो अभी पुरानी है। अच्छा पुरानी है, अभी नहीं लाए हैं, अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। अच्छा नई वाली लाए हो, उसकी ओपनिंग नहीं हुई, वो भी दिखा देंगे, ओपनिंग होगी वो भी दिखा देंगे वीडियो में, कि वो दूसरी जगह पे खड़ी हुई है वहाँ पे जाके खड़ी कर रखी पीछे। अच्छा और बाकी हमारे भैया हैं, क्या हाल है भैया आपके? सौरभ नाम है, बढ़िया एकदम। राम राम सभी को भाई की तरफ से। बाकी सौरभ भैया आप ठाकुर डीजे जैतपुर के साथ में आप ही मतलब रहते हो बिल्कुल एकदम? जी बिल्कुल। अच्छा और बाकी कुछ अलग ही मतलब सिस्टम सा लग रहा है मेरे को, कि धमाका मचाएंगे, धमाका ही मचाओगे बिल्कुल एकदम हर चीज से, हरिद्वार की कावड़ यात्रा में हर चीज काफी। आप भी जाओगे साथ में? जी बिल्कुल, पूरा मेला देखना है इस बार। रहने वाले भी आप कहाँ के हो? बुलंदशहर के। अच्छा आप बुलंदशहर के रहने वाले हो? अच्छा, और इस बार हरिद्वार में मिलेंगे बिल्कुल। और बाकी हमारे लाला भाई है, लाला भाई से अभी हम बातचीत करते हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को, और अभी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट। और बाकी हमारे जो है डीजे के ओनर हमारे लाला भाई, क्या हाल है लाला भैया? बढ़िया हाल है और सुनाओ भाई? बस एकदम बढ़िया हम भी। लाला भैया पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, कमेंट कर रही है कि ठाकुर डीजे जैतपुर की अपडेट दो, वो इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो इसी वजह से आज हम इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। और बाकी जो इस बार हरिद्वार में आप सेटअप लेके जा रहे हो वो कितनी बेस का होने वाला है? इस बार जो 2024 में जो सेटअप जा रहा भाई वो जा रहा बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा करके। हाँ जी, और एक टाटा नहीं जा रही इस बार, जा रही है दो टाटा, इस बार जा रही है दो टाटा। अच्छा। और दोनों ही टाटा पे 20-20 बेस है। अच्छा। हाँ किसी बात की झूठ नहीं है, 20-20 बेस आपको जब देख गाड़ी लगेंगी जब देख लेना, 20-20 बेस 40 बेस जा रही है स्टेप। अच्छा। और बहुत तगड़े तरीके से 40 बेस का जो है वो हमारे सेटअप हमारे ठाकुर डीजे जैतपुर दिल्ली की तरफ से जाने वाला है। और बाकी लाला भैया सीआरपी वगैरह मतलब लाइटिंग वगैरह का भी पूरा सीन रहने वाला है? लाइटिंग वगैरह तगड़ी लाइट कर रखी है, वही 16 लाइट कर रखी है, मतलब सब चीज कर रखी है, हर चीज पंखे वंखे तुम्हारा हर फैन वगैरह, हाँ फैन वगैरह सब मतलब लाइट पूरा सेटअप कर रखा उसके पूरा, फैन वगैरह ब्लेंडर वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। और बाकी जो आप 20 बेस का सेटअप बांधोगे लाला भैया, तो वो मतलब उसके साथ में कितने टॉप वगैरह लगाओगे आप? पिछली बार तो हमने 24 टॉप लगाए थे। अच्छा, टॉप पिछली बार 24। इस बार हमारी गाड़ी दो जा रही है तो इस वजह से गाड़ी में लगाएंगे टॉप 18 या 20। 18 या 20 जो है वो इस बार टॉप रहने वाले हैं एक टाटा पर, दोनों पे ही मतलब 18-20 टॉप रहने वाले हैं। उसमें जो है अब हाइस नहीं लगा रहे, अब जो यूडीएम हाइस चल रही है ना आजकल, यूडीएम हाइस वो उन्हें यूज कर रहे हैं अब गाड़ी में। अब हाइस सारी आपके सामने दिखा दी आपको, खोल के धर दी है सारी,
हैं, कुछ एक गाड़ी में कुछ अलग करके ले जा रहे हैं इस टाइम। एक जो टाटा है जो बड़ा सेटअप काफी आपको देखने वाला है उसमें सारी अलग ही चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि जो हाइस वगैरह है वो सारी नॉर्मल 750-850 सारी हाइस वगैरह निकाल दी और अब जो है वो मीडियम हाइस का यूज करने वाले हैं ठाकुर डीजे जयपुर। और भैया लाल भैया मिड प्रेशर का आपके बारे में क्या कहना है कि मिड प्रेशर यूज करने? मिड प्रेशर तो देखो हम यूज करते नहीं शुरू से, ना हमने पहले करी ना अब करेंगे, लेकिन जो है क्या नाम है एक मिड प्रेशर की जगह मीडियम हाइस लगाओ उसमें सब चीज मिलेगा आपको मीडियम हाइस। हाँ दुनिया लाइनर में डाल रही है वगैरह उसमें डाल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर लगा के देखो सबसे टॉप रिजल्ट है। बिल्कुल एशियन फोर्स के अंदर। और बाकी लाला भैया गोलू भाई जो है आपके मतलब भाई, तो वो भी मतलब हरिद्वार की कावड़ यात्रा में वो अलग सेटअप करेंगे आप अलग सेटअप कर सेटअप पे? ये जो भाई है हमारा बड़ा है ये आएगा 2-3 दिन बाद। अच्छा ये 2-3 दिन बाद क्योंकि इन भाई का जो है 17 तारीख का ब्याह है। अच्छा अच्छा ये है। तो ये आएंगे 2-4 दिन बाद, लेकिन उससे पहले हमारे ये सारे लड़के जाके अपना काम कर लेंगे, चलते टाइम पे यात्रा टाइम पे भाई वहाँ आ जाएगा। अच्छा जो भैया आएंगे वो देख रहे जाएंगे मेला देखने के लिए, क्योंकि हाँ भाई को तो कुछ मालूम ही नहीं है, एक तार भी लगाना नहीं आता। नहीं थोड़ा एक होता है ना कि मतलब ऐसे, लेकिन हमारे जो लड़के हैं सब संभाल लेंगे। एक भाई है हमारे रिश्तेदारी में ही है वो भी रहेंगे, तो भाई जी हम भी रहेंगे, सामान लाने का और ले जाने का, दिल्ली से सामान पहुंचाने का, बस फोन करना हरिद्वार देख के आना। बिल्कुल भैया का काम जो है वो सिर्फ फाइनेंसिंग का है, मतलब भैया जो है पैसे वगैरह में हर चीज में देख रेख करते हैं और बाकी जो नॉलेज वगैरह डीजे की है वो सब भैया अपने हिसाब से लगाते हैं। भैया काम वाली बस देख रेख का ही कि सेटअप कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा। हाँ जी इनको बाकी सुन के अपने खुश हो जाते हैं, बाकी सब काम जो भी हमें करना है। बिल्कुल तो इस बार मतलब आपने चेंजेस वगैरह जो करे वो लाला भैया हाइस में चेंजेस करे हैं कि मीडियम हाइस में चेंज करी हैं, बेस में करे हैं, जनरेटर में चेंज करा है, एम्पलीफायर चेंज करे हैं कुछ। बिल्कुल इस तरीके से सब चीज चेंज करी हैं धीरे धीरे। बेस में पहले आप कौन से स्पीकर यूज करते थे और आप कौन से करे हैं आप स्पीकर वगैरह? बेस में जो है पहले हम सरदार जी यूज करते थे। अच्छा अब हमने डास का यूज करा है। डास का जो अब ठाकुर डीजे जयपुर में आप हरिद्वार में सुनोगे वो सारे डास का के स्पीकर की बेस सुनने हो गए। अब आप जितने भी हैं और कुछ नए लाइनर वगैरह भी बनवाए आपने? लाइनर भैया टाइम तो मिला नहीं, घर में क्योंकि फंक्शन है तो इस वजह से लाइनर नहीं मिला, लेकिन मुरादाबाद में अगर टाइम मिल गया तो मुरादाबाद में जरूर लाइनर टंग के जाएंगे गाड़ी पे। बिल्कुल सब कुछ सब कुछ घर का खुद बनाएंगे यहीं पे, सब कुछ घर पे सामान वगैरह सब कुछ आ गया है, लेकिन फंक्शन की वजह से हम काम चालू नहीं करवा रहे अभी, उसका काम चालू करवाएंगे जब बिहार से निपट जाएंगे जब काम चालू करवाएंगे। भैया की शादी है इस वजह से लाइनर वगैरह नहीं बन पाए, लेकिन हरिद्वार में नहीं दिख पाया आपको, मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में जरूर देखने वाले हैं। हाँ। और बाकी लाला भैया जो ट्रस वगैरह जो दिख रही है साइड में, तो ये ट्रस वगैरह मतलब आप बनवा रहे हो? ये खुद बनवा रहे हैं, इन पे काम चल रहा है, दिखा दो भाई। 20 दिन से काम चल रहा है इन ट्रसों पे, 20 दिनों से काम चल रहा है। तो वैसे मेरे को देखने में भी लग रही है कि मतलब इनके लोहे मोटे मोटे से हो रही है, हैवी ट्रस बन रही है। हां जी अच्छा, तो ये टाटा के आगे टंके इसमें सामान वगैरह जा रहे हैं? ये पीछे पूरी गाड़ी के चकोर ट्रस है और पिलर बाय पिलर मतलब जिस पे टॉप लगेंगे ना जिस तरीके से उस तरीके से ट्रस है, लाइनर टंगने की ट्रस है, हर चीज की ट्रस अलग अलग है, कोई मतलब एक ट्रस पे कोई वो नहीं है, सबकी ट्रस अलग अलग है, लाइनर की टॉप की हाइस के बक्साओं की सबकी ट्रस अलग अलग है। आगे का फ्रेम गाड़ी का बनेगा भी बनानी है, खुल गया है बस। हाँ जी तो वो सब जो है ट्रस वगैरह भी सब दिखाएंगे, ट्रस बिल्कुल एकदम पास से की कैसे कैसे बन रही है। और बाकी लाला भैया जो हरिद्वार में आप टाटा लेन जा रहे हो, तो मतलब उसमें जनरेटर वगैरह में भी चेंज करे आपने? हाँ जी जनरेटर चेंज करा, बहुत बड़ा जनरेटर गया गाड़ी में 200 के वो उस वाली टाटा में जो मैं बोल रहा था कि जनरेटर वगैरह भी चेंज करा, उस वाली टाटा में जो हैवी जनरेटर डाला, कितने केवी का डाला है उसमें? गया था 200 केवी का गाड़ी का जनरेटर, इसका भी चेंज किया है। अच्छा इस वाली का भी? हाँ इसका भी चेंज किया, इसमें डाला 82 केवी का जनरेटर, इसमें 82 केवी। ये जनरेटर हमने खुद बनवाया है। अच्छा हाँ जी ये हमने खुद ने बनवाया है, सब सामान हमने खुद। और वो वाली टाटा में वो ले उसका कैनोपी पैक लेके आए, बिल्कुल कैनोपी से निकलवा के। हाँ जी तो वो 200 केवी का जो है वो जनरेटर उस वाली टाटा में। हाँ जी तो वो आराम से जितनी भी है 20 बेस 20 हो 30 हो 28 हो 40 हो वो जनरेटर अकेला बजाएगा। बिल्कुल वही जनरेटर जो है इस बार आपको दिखाएंगे भी, बाहर से दिखा देंगे थोड़ा। और बाकी जो है एम्प वगैरह में भी आपने कुछ चेंज वगैरह करे? हाँ जी एम्प वगैरह चेंज करे। पहले कौन से आप एम्प यूज करा करते थे? पहले 1200 यूज करते थे जी, और बीएम के ज़्यादातर हम बीएम के यूज करते थे टॉप। हाँ जी लेकिन इस टाइम जो है अभी हमने बीएसओ के भी एम्पलीफायर वाटेज ज़्यादा यूज करें और कंपनी भी चेंज करी है कुछ नाम बता नहीं सकते वीडियो में वो
हरिद्वार के बाद ही बताएंगे कि हमें हमें खुद कैसा रिस्पॉन्स आया, वो जब भी बताएंगे, अभी तो बिल्कुल बताएंगे नहीं। और वैसे भी वीडियो में मतलब लीक नहीं कर सकते कैंप वगैरह जो है, वरना फिर और जो बंदे हैं मेले के लिए धमाका कुछ लाए हैं उसको मेले में ही दिखाएंगे। बिल्कुल मेले में ही आवाज़ का धमाका दिखाएंगे, मेले में ही बेस का धमाका दिखाएंगे, मेले में ही दिखाएंगे जो धमाका। बिल्कुल जो हरिद्वार की कावड़ यात्रा में सेटअप गया था तो उसमें आपने कितनी बेस लगा रखी थी, आप कितनी बेस? जो हरिद्वार के जो सेटअप गया था उसमें हमने 16 बेस लगाई थी, अब के जो सेटअप जा रहे हैं उनमें 20-20 बेस प्लस है, उसमें 20-20 बेस प्लस है। उसमें जो हरिद्वार में दिखे वो काफ़ी बड़े सेटअप देखने वाला है। और बाकी भैया आपने मतलब जैसे हरिद्वार की कावड़ यात्रा में गया, आपका बहुत पुराना काम है, तो लगभग कितने साल पुराना आपका काम है? मेरा भाई 2015 से काम है, 2015 से काम है। लेकिन बड़ा डीजे में अब की बारी लेके था 23 में जोत वगैरह के, एक बार जोत में करा था मैंने बड़ा डीजे, उससे पहले मैंने कभी बड़ा डीजे नहीं किया, दूसरी बार गया था 23 में बड़ा डीजे। दूसरी बार अब 2023 में गया था। अब मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में भी, हरिद्वार की कावड़ यात्रा में भी देखने वाला है आपको ठाकुर डीजे जैतपुर। और बाकी भी साउंड टेस्टिंग तो देखो लग नहीं पाएगी, वो सब पब्लिक जो है हरिद्वार में सुनेगी। अभी साउंड सारा खुले पड़े हैं, अभी सब काम चल रहा है आपके सामने, सब खुले हुए, बस ये जो गाड़ी है ये आज तैयार होगी, कंप्लीट हो जाएगी फिर ये 10 तारीख को अपनी बुकिंग पे जाएगी, 10 को 9 को 11 को इन जो पाँच छः काम पड़े हैं तो ये वो काम ये निकालेगी। हाँ, और कुछ बुकिंग है जो हमने किसी भाई को पार्सल कर दिए क्योंकि हरिद्वार के मेले की तैयारी नहीं हो पा रही, बिल्कुल घर में फंक्शन हुई इस वजह से हमने किसी भाई को अपनी बुकिंग दे दी। जो हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आप सेटअप बांधोगे, आपने उसकी मैपिंग वगैरह कर ली कि मतलब सब कुछ ओके कर लिया जी? बिल्कुल सब चीज़ रेडी है, जाओ और टांगो, जाओ लोड करो अपना बजाओ। बिल्कुल यहीं से सोच के चलते हम तो घर से ही कि हमें जाके सेटअप लगाना कैसे है। जो टाटा के अंदर आप बीच में बेस रखोगे तो वो कितनी बेस रखोगे, 8 बेस या फिर 10 बेस? बीच में जो बेस रहेंगे वो 12 बेस रहेंगे। बीच में 12 बेस रहोगे, बाहर रहेंगे 10 बेस, 22 बेस हो रही है तो 22 ही बेस, अब जब बात निकल रही है तो 22 ही बेस लगेंगे गाड़ी के अंदर। 22 बेस का सेटअप जाने वाला है इस बार हरिद्वार में। थोड़ा मतलब ये है कि सरप्राइज देना चाहिए पब्लिक को, जो होता है ना कि अलग कोई बता के चलता है ज्यादा, हम पहले ही कम बता के चल रहे हैं, आगे जाके देखो कितनी लगाएंगे। बिल्कुल हरिद्वार में जाके दिखेगी वो तो कितनी लगाएंगे कितनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरप्राइज में होना चाहिए पब्लिक को, बिल्कुल एकदम पार्टी वाले भी देख के खुश हो जाए कि भाई बहुत बड़ा ही सेटअप बांध रखा है अलग तरीके से। और पार्टी हमारी निराश नहीं होगी, पार्टी खुश हो जाएगी पार्टी हमारी। बिल्कुल लाल भैया आपकी पार्टी वाले कहाँ के हैं? पार्टी वाले भाई एक तो नंदनगरी के हैं। अच्छा। और एक गाड़ी के हमारे यहीं के हैं लोकल के। अच्छा। हाँ जी यहीं के, एक नंदनगरी दिल्ली की साइड के हैं और दूसरे मदनपुर खादर के। मदनपुर खादर के हैं। मदनपुर खादर वाले ने कितने बेस का सेटअप करा है? उन्होंने जी 18 बेस से ऊपर ऊपर है उनका, लेकिन वो यूं कह रहे हैं 18 लगाओ, 20 लगाओ, 22 लगाओ, अपने हिसाब से लगा लेना। अच्छा। जो बड़ा सेटअप है उन्होंने पैसे दिए हमें 20 के ही, उन्होंने जो पैसे दिए हमें बुकिंग जो करी है 20 की ही करी है, लेकिन उनकी कोई ये नहीं है, वो यूं भी कह रहे हैं कि हमारी गली मोहल्ले में जैसे डीजे आएगा कभी किसी बच्चे को किसी को परेशानी ना हो जाए, तो वो तो कह रहे हैं 18 लगाओ, 20 लगाओ, 22 लगाओ, वो अपनी मर्जी से लगाना, लेकिन हमारे यहाँ पे आके साउंड हल्का कर लेना, उनका कहना ही है। हरिद्वार में देखा था लाल भैया कि मतलब जो हमारे विशाल भाई थे वही अकेले लैपटॉप सारे संभाल लेते, तो इस बार जो ऑपरेटिंग कौन करने वाला है आपके डीजे पे? ऑपरेटिंग तो मैन तो विशाल ही है, जो पिछली बार विशाल ने ऑपरेटिंग करी थी, अब भी इस बार विशाल ही करेगा, लेकिन उसका साथ देने के लिए नितिन भाई भी है ये भी है भाई, सोबित भाई भी है और वो भी है, रोहित भाई भी है, दो चार भाई और भी हैं जो अपना साथ देंगे। और एक टाटा पे नितिन भाई हमारे ऑपरेटिंग करेंगे, एक टाटा पे विशाल भाई। हाँ जी हाँ जी, सोबित की एक गाड़ी होगा, अब तीसरी गाड़ी जो बन रही है वो सोबित के लिए बनेगी। हाँ जी, और मुरादा और हरिद्वार में और मुरादाबाद में तो ये सारे मिल के ही करेंगे। हाँ जी, मिल के ही करना चाहिए। सिंगल टाटा जो है वो आपकी जाएगी वहाँ पे, मुरादाबाद में है वो अलग ही सेटअप देखने को मिलेगा, मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में, हरिद्वार के भी यात्रा में बहुत अलग ही सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी अब थोड़ा पब्लिक को दिखा देते हैं कि टाटा वगैरह जो टाटा है ना। हाँ दिखा दो, गाड़ी का गेट खोल दो, जनरेटर दिखा दो, पहले जनरेटर दिखा देते हैं आपको आगे चल के। ये वाली जो टाटा है इसमें मतलब जनरेटर वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह करें, और थोड़ा मतलब यहीं से ही देख लो जनरेटर वगैरह दिख जाए तो आपको। ये जनरेटर जो है वो मतलब चेंज कराया, और फ्रेम भी थोड़ी मतलब नहीं बाहर निकली टाटा की, देख सकते हो 200 केवी का जनरेटर इसमें डाल दिया है। और भाइयों ठाकुर डीजे जैतपुर ये रही टाटा, अभी थोड़ा जनरेटर भी दिखाएंगे अंदर की साइड से। और यहाँ पे टाटा का जो है वो देखो फ्रेम वगैरह जो है वो बन रहा है, और इधर साइड में शायद हो सकता है बेस वगैरह भी धर सकते हैं, यहाँ पे टॉप वगैरह भी धर सकते हैं कुछ भी।
और ये वाला टाटा में तो भाई पूरे चेंज हो गया, नई वाला टाटा है। अभी दिखा देते हैं जनरेटर इसका, देखो कुछ ऐसा जनरेटर है। यही वाला जो है नया वाला जनरेटर आपने बनवाया है ना लाल भैया? यही जनरेटर कैनोपी पैक है। अच्छा, 200 KV यही जनरेटर है। 200 KV का जनरेटर है ये। काफी अलग ही लग रहा है, काफी बड़ा सा भी जनरेटर लग रहा है। वेट भी अच्छा खासा होगा इसके अंदर है ना? 40 बेस चला लो, 20 चला लो, बिल्कुल 30 चला लो, जितनी मर्जी जितना मन करे उतनी बेस चलाओ, ये मना नहीं करेगा किसी भी तरीके से। बिल्कुल चेंजिंग करी है, टायर करे हैं इसके, डबल टायर करिए गाड़ी। अच्छा, ये वाले जो टायर है वो डबल टायर आपने करवा दिए? डबल टायर करवाइए गाड़ी, सपोर्टिंग बनवाई है। बिल्कुल, आगे आगे सपोर्टिंग बनेगी, उसके क्या नाम है, सपोर्ट बनेगी बेस लगाने के लिए। अच्छा, आगे भी बेस मतलब जो है वो देखने वाली है। जनरेटर इतना बड़ा है हमारा कि ये गाड़ी इतनी अलग से बाहर निकलवानी पड़ी है। ये गाड़ी जो है देख सकते हो अलग से ही बाहर निकल रही है, क्योंकि ये जाला जनरेटर जो है वो इसकी वजह से। और यहाँ से मतलब जनरेटर की एयर भी पास होती रहेगी? पास होती रहेगी। और क्या नाम है, हमने ये बनवाया इस उस तरीके से है कि जो बॉडी अच्छी भी लगे। बिल्कुल, और जो है क्या नाम है, जनरेटर भी अंदर रहे। हाँ, फिनिशिंग इधर का भी गेट, ये अच्छा ये भी खुल जाता है। अच्छा, जो है देख सकते हो फिनिशिंग वगैरह बिल्कुल एकदम पता लग रहा है कि ये बॉडी यहाँ से बाहर निकली पड़ी है। इस पे सब ऊपर एम्पलीफायर लगाने के लिए वो सब बन गए हैं इसके। अच्छा, ये आगे जो है फ्रेम वगैरह ये भी चेंज हुआ है ना? हाँ, ये सब चेंज हुए हैं आगे के, ये सब आगे गुली करके जब वो होगी इस पे। अच्छा, हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आप जाओगे तो हरिद्वार का मेला तो देखो ऐसा होता है कि उसमें हर किसी से कंपटीशन वगैरह होता रहता है, तो अगर कोई आपसे प्यार मोहब्बत में कंपटीशन वगैरह करेगा तो आपकी तरफ से मतलब क्या रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, प्यार मोहब्बत से कोई भी भाई हमारे से कंपटीशन कर सकता है, हम उसके लिए वेलकम में खड़े हैं किसी भी तरीके से, स्वागत में। और जो है क्या नाम है, वैसे हमारा किसी से वैर है नहीं, किसी से भी वैर नहीं है, प्यार मोहब्बत सबके साथ है। कोई भाई गुजर हो चाहे कोई सी बिरादरी हो, 36 बिरादरी में से सब भाई के संग हमारा प्यार मोहब्बत है। और हर तरीके से बस जो ये कंपटीशन लोगों ने नाम दे दिया कंपटीशन का, ये कंपटीशन नहीं है, ये प्यार मोहब्बत से एक एक गाना सबको सबको ख्वाहिश रहती है। क्या नाम है, हमने इतना बड़ा डीजे बनाया है, एक एक गाने लगाना चाहिए, किसके डीजे में कितना मजा आए, ये तो पब्लिक मजे लेने के लिए तो डीजे बुक करती है, इतने पैसे देती है। और एक एक गाने के चक्कर में आदमी लड़ाई झगड़े सब कुछ करता है, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों में। अपना डीजे बजाओ, जिस तरीके से जिसने पैसा लगा रखा है उतना ही ज़्यादा मजा देगा। बिल्कुल ठीक है, हमने 10 बेस लगा रखी है, किसी ने 8 लगा रखी है, तो हमारे 10 बेस जैसा मजा आएगा, जैसा पैसा खर्च करोगे वैसा मजा आएगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत में किसी से कॉम्पिटिशन होएगा, और अपना आराम से एक गाने का करो, आधे घंटे करो, एक घंटे करो, प्यार मोहब्बत से। बिल्कुल, भोले का नाम लो, भगवान के लिए जा रहे हैं सभी हैं, और प्यार मोहब्बत बना के रखो, हम तो ये कहते हैं। कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा का, अच्छा कावड़ यात्रा का, कावड़ यात्रा की बिल्कुल, और कावड़ यात्रा को सफल बनाए सारे भाई। बिल्कुल, कोई भी ऐसे मतलब वो ना रखे कि क्या नाम है, हमारे मनमुटाव ना रखे किसी से भी भाई। बिल्कुल, प्यार मोहब्बत के साथ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी तरीके, किसी का भी बैर किसी से ना होना चाहिए। बिल्कुल, कावड़ के लिए जा रहा है, सिर्फ अपना कावड़ में ध्यान रखे, किसी से दुश्मनी बनाने का ध्यान बिल्कुल ना रखे, हम तो ये बात बहुत बढ़िया। और बाकी भाइयों, जो नई वाली टाटा है ठाकुर डीजे फ्रॉम जयपुर, लाला भैया ये वाली टाटा है जो आप मतलब नई बना रहे हो, तीसरी वाली टाटा जो है? ये घर में थोड़ा जगह वगैरह थोड़ी अभी फंक्शन की वजह से कम है, तो इस वजह से यहाँ खड़ी करवा रखी है पार्किंग में। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टाटा वगैरह खड़ी कर रखी है अभी। ये कौन सी वाली है, टाटा 407? हाँ जी, टाटा 407 गोल्ड है, टाटा 407 गोल्ड है। अच्छा, अभी इसकी बॉडी वगैरह भी बनेगी सब? अभी कुछ बॉडी वगैरह बनेगी, हरिद्वार से आते ही इसकी बॉडी बनने के लिए छोड़ देंगे उस गाड़ी को। बिल्कुल, और फिर इसकी गाड़ी का जनरेटर वगैरह, इसकी सारी नई बेस है, सारा सामान इसका नया बनेगा। बिल्कुल एकदम, बिल्कुल जनरेटर भी बिल्कुल एकदम नया बनेगा। कितने केवी का जनरेटर डालोगे इस टाटा में भाई आपके? 150 KV, 200 उसमें डाला हुआ, 150 उसमें डालेंगे, 82 KV दूसरी गाड़ी में। बिल्कुल, मतलब सब में छोटा बड़ा, छोटा बड़ा इस तरीके से करेंगे, किसी में भी एक जैसा। बिल्कुल, और बाकी अभी तिरपाल हटा देते हैं, फिर आपको टाटा दिखा देते हैं। और बाकी भाई देख सकते हो ये है न्यू टाटा जो ठाकुर डीजे जयपुर की अभी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, और बहुत ही जल्द शादी वगैरह का तो प्रोग्राम है, हमारे गोल भैया की शादी है, उसके बाद में आपको दिखेगी टाटा वाली। और भाइयों, गोलू भैया की शादी है हमारे 17 तारीख की, इसी 17 जुलाई की, और सभी जितने भी देखो डीजे वाले भाई हैं, जिन जिन को भैया ने इनवाइट कराया वो तो आएंगे ही, आप भी ज़रूर आना जितने भी डीजे वाले भाई हों, और बता देंगे एड्रेस वगैरह। ये है भाइयों, देख सकते हो नई टाटा। और कब तक मतलब ये लॉन्च हो जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा इसको? ये नवंबर में इसकी ओपनिंग करेंगे, नवंबर में सब चीज ओपन नवंबर में हो जाएगा इसका, नवंबर तक बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगी, जिसमें बेस वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह हो जाएगी, सब कुछ नया सामान डल के।
आगे देख सकते हो भाइयों, ये अंदर साइड से कुछ ऐसा व्यू है, टायर 407 गोल्ड, और इसमें इनबिल्ट जो है वो बहुत सारे फीचर्स भी आए हैं इस बार। ये एम्प वगैरह सब कंपनी के थ्रू ही है ना? जी जी, सब चीज एम्प, काफी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं बिल्कुल एकदम। इसमें उधर से बंद ऑफ कर रखी है बैटरी से। अच्छा, हां जी, मैं तो ऑन करके, ऑन करिए भाई, वो कपलर ऑन करो, बैटरी का लग रही है, लग रही है बैटरी। और देख सकते हो भाई कुछ ऐसा फीचर्स है, यहाँ पे डिस्प्ले का जो डिजिटल वो दे रखा है, मीटर वगैरह सब कुछ डिजिटल मीटर दे रखा है, सब चीज पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, काफी अच्छी सब चीज पावर है इसमें। 407 गोल्ड में मतलब काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स आए हैं, फीचर बहुत अच्छे आए हैं इस गाड़ी के अंदर। पावर यूरिया की गाड़ी है। अच्छा, यूरिया के संग आई है, यूरिया मतलब इसके अंदर डलता है, डीजल के संग संग यूरिया चलता है इसमें, बिल्कुल। और बाकी भाइयों, गोलू भैया की हमारे शादी है, गोलू भैया आपकी शादी है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सबको भाइयों को आना है, सभी भाइयों को आना है, गोलू भाई की तरफ से इनवाइट हो, सारे भाई, सारे भाई डीजे भाइयों को, सबको आना है, सबको आना है 17 तारीख को। कौन सी जगह पर? बस अपनी यहीं से जाएगी बरात, बदरपुर से, जैतपुर से, फरीदाबाद, जैतपुर से फरीदाबाद जाएगी, एड्रेस भी बता दिया। और बाकी कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी भाई को आना हो तो, सभी इन्वाइट है वैसे, बिल्कुल। बाकी लाल भैया भैया आए हैं, भैया से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाइए। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, ये आपके बड़े भैया हैं। तो भैया, इस बार आप भी मतलब हरिद्वार की कावड़ यात्रा में जाने वाले हो? आपके जरूर, पिछली बार 2023 में नहीं गया था। अच्छा, तो आपके सोचने जरूर जाए, बिल्कुल डीजे के साथ में ही आप जाओगे। और हाँ जी, और कावड़ यात्रा में अच्छे से मतलब आनंद लोगे, भोले बाबा के मिलेगा, लेंगे अच्छे से, और मतलब सभी आनंद ले अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, ठीक है, सभी भाई प्यार मोहब्बत बना के रखे, बिल्कुल बिल्कुल भैया।